हेलो फ्रेंड्स, अक्षय कुमार की फिल्म केसरी बैटल ऑफ सारागढ़ी पर बेस्ड है, जो कि 12 सितंबर 1897 में हुआ था। सारागढ़ी एक छोटा सा विलेज था पेशावर पाकिस्तान के पास। ये एक पहाड़ी एरिया है। ब्रिटिशर्स सारागढ़ी और उसके आसपास के एरिया को अपने कंट्रोल में लेने में सक्सेसफुल रहे थे, बट इन एरियाज़ में उन्हें बार बार अफगान अटैक्स का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिशर्स ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर एक सीरीज ऑफ फोर्ट्स बनवाए। ओरिजिनली ये सारे के सारे फोर्ट्स महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको कंसोलिडेट किया। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी मूवी की कहानी। ब्रिटिशर्स ने जो फोर्ट्स बनवाए उनमें से दो फोर्ट, फोर्ट लोकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, के बीच में पहाड़ी एरिया होने की वजह से विजिबिलिटी कम थी और इसीलिए वहाँ पे कोई भी सिग्नल या फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। इसीलिए दोनों फोर्ट के बीच में सारागढ़ी कम्युनिकेशन पोस्ट बनवाई गई। सारागढ़ी कम्युनिकेशन पोस्ट की हेल्प से दोनों फोर्ट्स आपस में इजीली सिग्नल ट्रांसफ़र कर पाते थे। उन दिनों मोर्स कोड यानी कि हीलियोग्राफी के थ्रू कम्युनिकेशन होता था। तो अब जब भी लोकहार्ट फोर्ट पर अफगान अटैक होता तो लोकहार्ट गुलिस्तान फोर्ट को सिग्नल भेज देता, एक्स्ट्रा सोल्जर्स मंगवा लेता था और इस तरह उन्होंने कई बार अफगान अटैक को फेल कर दिया। सेम इसी तरह से अगर गुलिस्तान फोर्ट पर अटैक होता तो लोकहार्ट फोर्ट को सिग्नल भेज देता और एक्स्ट्रा सोल्जर्स मंगवाकर अफगान अटैक को फेल कर देता था। तो अफगानों ने सोचा कि अगर सारागढ़ी पोस्ट को खत्म कर दिया जाए तो सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। वैसे भी सारागढ़ी पोस्ट पर तो काफ़ी कम सोल्जर्स हैं। इससे लोकार्ड और गुलिस्तान फोर्ट के बीच का सिग्नल ब्रेक हो जाएगा और बाद में दोनों को अलग अलग करके कैप्चर कर लेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर अक्षय कुमार भी है, वो भी अपने 20 और सिपाहियों के साथ। ये कहानी है उन 21 सिख सोल्जर की जिन्होंने 10,000 अफगानों का अकेले सामना किया। इस वार को मिलिट्री हिस्टोरियंस ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड मानते हैं ऑफ ऑल टाइम। लास्ट स्टैंड का मतलब होता है वो मिलिट्री सिचुएशन जिसमें एक साइड एक डिसएडवांटेजियस सिचुएशन में होने के बावजूद अपनी पूरी ताकत से लड़ती है जब तक कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अफगान की फौज को लीड कर रहे थे गुल बादशाह और इधर 20 सिख सोल्जर्स को लीड कर रहे थे हवलदार इशर सिंह। इन 21 सोल्जर्स ने अराउंड 600 अफगान सोल्जर्स को खत्म कर दिया था। सारे के सारे 21 सोल्जर्स पंजाब के मांझा रीजन से थे और ब्रिटिश सरकार ने उन सभी को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, आज के टाइम पर इसे परमवीर चक्र से कंपेयर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।